कौशाम्बी महोत्सव के आयोजन के दौरान उद्घाटन करने पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में जा रही सिराथू विधानसभा से सपा गठबंधन से विधायक पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस पूरे मामले में विधायक पल्लवी पटेल का कहना था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहे कौशाम्बी महोत्सव में पहुंचकर देश के गृह मंत्री व मुख्यमंत्री का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझे ऐसा करने से रोका गया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। जो उनके लोग मंत्री से लेकर कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, मेरे जाने से कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, इस डर से उन्होंने पुलिस प्रशासन को भेजकर मुझे हाउस अरेस्ट करवा दिया है। मैडम, आज कौशाम्बी महोत्सव कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी और योगी जी का आगमन हुआ था, इस दौरान आपको कार्यक्रम में रोके जाने की खबर आ रही है, क्या है मामला? देखिए, कौशाम्बी महोत्सव हम सब चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हों या यहाँ के स्थानीय लोग हों, उन सब लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है। और चूंकि ये कार्यक्रम सिराथू विधानसभा में हो रहा था, तो मेरा ये दायित्व है और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं अपने देश के जो गृह मंत्री जी हैं और इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करूं और उस कार्यक्रम में उनके साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ उस उत्सव को मनाने का काम करूं। उद्देश्य यही था, लेकिन प्रशासन ने मुझे हाउस अरेस्ट किया सुबह से, और अभी जब कार्यक्रम समाप्ति हो गई उसके बाद यहाँ से पूरा काफिला जो अभी छावनी के रूप में तब्दील कर रखा था मेरे आवास को, अब आपके सामने है। तो लगभग कितने घंटे तक हाउस अरेस्ट करके रखा गया था? मैं सुबह लगभग 11 बजे के करीब पुलिस की गाड़ियाँ और प्रशासन के लोग यहाँ आए थे और अभी 3:15 बजे के करीब सब लोग यहाँ से गए। तो हाउस अरेस्ट करने का क्या उद्देश्य हो सकता है मैम आपकी नज़र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, और उनको ये लगता है या उनके लोग जो उप मुख्यमंत्री हैं और जो यहाँ पर सांसद हैं वो गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर मैं वहाँ जाती तो शायद ऐसा कुछ हो जाता या उनकी पोल पट्टी खुल जाती, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन्होंने या उनकी सोच ने मुझसे वो सौभाग्य छीना जो मैं यहाँ जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करके लोगों के साथ समारोह में शिरकत करके मुझे मिल सकता था। आज जनपद कौशाम्बी में कौशाम्बी महोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें देश के माननीय गृह मंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत कर रहे उपस्थित होंगे, और क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है तो ये मेरा दायित्व है और मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं उनके स्वागत में रहूं और उस कार्यक्रम में शिरकत करूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर या परमिशन जैसे चीज़ों का हवाला देकर के मुझे यहाँ रोका गया है, जो कि मुझे लगता है न्यायसंगत नहीं है। जिस विधानसभा में महान हस्तियाँ देश की शिरकत कर रही हों वहाँ पर ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं वहाँ जा करके उनका स्वागत करूं, और ये कहीं ना कहीं मेरे विशेषाधिकार का हनन भी है। तो आपको रोका जा रहा है? जी, अभी तक तो फिलहाल रोका ही जा रहा है। जी,